किचन से ही आज मैं मेरी व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और फिलहाल अभी हूँ मेरी नानी घर पे, और प्रेशर कुकर के अंदर मैंने दे दिया है बटर। देन उसके बाद थोड़ी बहुत पपीता, उसके साथ थोड़ी प्याज, अदरक, लहसुन घिस के मैंने डाला है, पेस्ट नहीं डाला है। और पूरा बटर में ये वाला मैं बना रही हूँ। ये क्या बना रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। इधर पे बन रही है स्टू, ठीक है, चिकन स्टू मैं बना रही हूँ। मेरी तरीके से जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है उस हिसाब से ही बना रही हूँ। दो जो है ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दिया है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो या फिर बिल्कुल सादा सिंपल रखना पसंद करते हो उस हिसाब से ही रखना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार, जितना मुझे चाहिए थे। बटर में भी सॉल्ट होती है तो उस हिसाब से मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। तो इधर पर मैं दो बटर की क्यूब ऐड किया है। तो अभी मैं इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर यानी कि गोल मोरिच ऐड कर दूंगी, पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर मैं इधर पे ऐड कर रही हूँ। और इससे क्या होती है, अगर सर्दी ज़ुकाम लग जाए ना तो इजीली जो है आपको हील होने में मदद करती है। अगर आपके चेस्ट में कफ जम गई हो तो इस वजह से आप जो है बटर, उसके बाद ब्लैक पेपर, ये सब जो है गर्म पानी, ये सब खाना बहुत अच्छे होते। और मैं स्टू बना रही हूँ, ताकि वो क्यों बना रही हूँ आगे आप लोगों को पता चलेंगे। इसमें मैं अभी पानी भी ऐड कर दिया है और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। तो इधर पे 8 से 10-12 में सीटी लगाऊँगी। आज मैं नानी घर की किचन से वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। शाम है, देखिए शाम के वक्त अभी मैं किचन पे हूँ। और दोपहर से तो मैं फ्लैट पे ही थी। और नाना की थोड़ी सी फीवर है, तबीयत ख़राब है, काफ़ी दिनों से फीवर आ रही है जा रही है। तो डॉक्टर भी आए थे घर पे, तो इसीलिए नाना के लिए इधर पे सूप बन रही है, क्योंकि अरे लाइटिंग का प्रॉब्लम, 1 सेकेंड। क्योंकि नाना अभी कुछ मतलब खा नहीं पा रही है सॉलिड खाना, तो इस वजह से सूप वगैरह, लिक्विड खाना जितना हो पाएंगे और सूप वगैरह से स्ट्रॉन्ग भी होंगे, वीकनेस फील हो रही है। तो जो भी हो, चलिए मैं सूप बना लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए, करीबन 10 से 12 सीटी आने के बाद जो है मैंने प्रेशर कुकर की ढक्कन हटा दिया और ऐसे नॉर्मली 5 मिनट तक मैंने अच्छे से बॉईल किया, जब तक ना चिकन बिल्कुल अच्छे से पक जाए। और इस तरफ मेरे हस्बैंड देखिए मैगी बना रही है। हम घर के सभी के लिए प्याज वगैरह, ग्रीन चिली ऑयल, देखिए जैसे कि चाउमीन होती है ना करीबन उस तरीके का। और जब मैं स्टू बनाना हो गया, मैंने इसके अंदर बटर भी ऐड किया, तो हम सब मिल के ये इवनिंग स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स आप कह सकते हो। तो फाइनली अभी देखिए मैंने सबको दे भी दिया है। और नाना जी काफ़ी वीक लग रहे हैं, तो थोड़ी सी मैगी दी थी और थोड़ी सी सूप, बट पूरा खा भी नहीं पाए। मेरे हस्बैंड को भी दिया, फिर मैंने भी ली, और नानी भी खा रहे थे और मामा भी, तो सब मिल के खा। मैं आए हुए करीबन 10-15 मिनट हो गए होंगे। और इधर पे देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा कोई पढ़ाई नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रही है, जैसे कि अब लग रही है मेरा ही एग्ज़ाम है। क्योंकि मेरे सिस्टर के कुछ होमवर्क टास्क वगैरह दिए थे, तो मेरे सिस्टर अभी ड्राइंग क्लास में है, और उधर पे जाने से पहले मुझे शाम को ही ये वाला मेरे घर पे रख के गए हैं कि ये वाला जो है थोड़ी बहुत होमवर्क देखिए। मैंने सब कुछ नोट डाउन इधर पे कर दिया है, तो मेरे सिस्टर देख के समझ के फिर वो होमवर्क अपना कंप्लीट करेंगे। तो इस वजह से मैंने सब कुछ इधर पे करके रखी हूँ। मेरे सिस्टर ड्राइंग क्लास जाके उधर से मुझे टेक्स्ट करिए कि मैं रात में 10-10:30 बजे घर आऊँगी, तो सब मेरा कंप्लीट रखना, क्योंकि आके मुझे फिर से वो सब कुछ होमवर्क करनी है। तो मैंने भी कहा हाँ हो गई है, तो वही लेके मैं भी ऐसे लग रही है मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है, तो हो गई है लगभग। और नानी घर के चक्कर में, फिर हमारे फ्लैट के चक्कर में मुझे भी ना भी टेंशन फील हो रही है, क्योंकि मेरे अंदर ना ज़्यादा प्रेशर आ रही है, उसकी वजह से मेरी आग वगैरह आप देख सकते हो अंदर अंदर जा रही है। मतलब बहुत ही हेक्टिक डे चल रही है मेरी लाइफ में अभी, क्योंकि फ्लैट में शादी से पहले पूरा फ्लैट को सजाना और अपने घर को सजाना ना एक
अलग ही होती है, जो करते हैं उनको ही पता होंगे, अदरवाइज कोई इस फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे। छोटा छोटा इतना काम होते हैं ना, बड़ा काम तो है ही घर को सजाने में, छोटा छोटा एक एक चीज़ भी आपको ना ध्यान देनी पड़ती है। तो अगर मेरे हस्बैंड खुद से, उसका तो मेहनत मुझसे डबल है, लेकिन मुझे भी जाना पड़ रही है, और मेरी हैबिटेड, मतलब मैं तो ऐसे हैबिटेड नहीं हूँ ना, मैं घर पर रह के ही पूरा दिन बिताती हूँ। अभी कुछ दिनों से इधर जाना, मार्केट जाना, फिर सामान पसंद करके लेके आना मेरे हस्बैंड के साथ, तो ये सब कुछ चल रही है। उसके ऊपर से दिन में धूप हो, फिर अभी मेरी भी तबीयत ना अंदर अंदर से टाइम पे खाना नहीं खा पा रही हूँ, लेट हो रही है। घर पे अगर भैया लोग काम कर रही है ना, तो छोड़ के बाहर भी ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ये सब मिला जुला के नानी घर पे आना, उसके बाद घर पे तो मैं खाना बना ही नहीं रही हूँ, नहीं तो होटल पर खा रही हूँ, अदरवाइज नानी घर पर, अदरवाइज शाम भी हो रही है कभी कभार, तो मिला जुला के बहुत ही क्या बताओ। और ऊपर से नाना की भी ना तबीयत थोड़ी सी सीरियस हो गई है, ख़राब हो गई है। करीबन एक हफ्ते से नाना को ना बुखार आ रहे थे, लेकिन नाना ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सुबह पे बुखार आ रहे थे, फिर शाम को नॉर्मल ठीक हो रहे थे। तो नॉर्मली जो दवाई होती है पैरासीटामोल, वही कभी कभार खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, नॉर्मली चल रहे थे। लेकिन 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा बुखार भी आ रही है, वीकनेस फील हो रही है, कुछ सॉलिड जो खाना होती है ना, जैसे कि राइस हो, रोटी हो, वो खा नहीं पा रही है। तो ये सीरियस हो गई, और आज तो मैं देख रही हूँ, मतलब बहुत ही वीक लग रहे थे मुझे नाना जी, अदरवाइज नाना ना ऐसे लेटे हुए नहीं रहते। तो उसके बाद मेरे मामा ने डॉक्टर को बुलाए घर पे, डॉक्टर आए, उसके बाद जो है मेडिसिन दिए, कुछ टेस्ट लिख के दिए। और ऐसे तो नॉर्मली तबीयत ख़राब रहती है, बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं नाना नानी, वो अलग बात है, लेकिन जब एक्स्ट्रा कुछ ऐसे बुखार वगैरह हो जाए, या फिर निमोनिया टेस्ट लिख के दिए, डेंगू मलेरिया, ये 3 चीज़ लिख के दिए, तो ब्लड लेके गए, कल सुबह तक रिपोर्ट आएंगे। और भगवान करे, आप लोग भी प्रे करना कि नॉर्मल रिपोर्ट आए, और सब कुछ एंटीबायोटिक डॉक्टर ने जो दिया है 3 दिन का कोर्स, उसमें ही ठीक हो जाए नाना जी। और कुछ खा नहीं पा रही थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो शाम को मैं फ्लैट से जब घर पे आऊँगी, तो सूप नाना को बना के खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, क्योंकि सॉलिड तो नहीं खा पा रही, तो सूप हो सकता है थोड़ी बहुत, फिर भी एक दो सिप भी अगर पियेंगे ना, उससे भी थोड़ी बहुत ताकत मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने ब्लैक पेपर, बटर, उसके बाद पपाया, ये सब कुछ देके चिकन का ना एक स्टू जैसे मैंने बनाई हूँ, बटर वगैरह ज़्यादा देके, ताकि जो है अंदर अगर चेस्ट में कफ वगैरह भी रहेंगे ना, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाती है ना, मेडिसिन के साथ साथ ये सब भी खाना, और चिकन स्टू खाने से थोड़ी सी ताकत भी होंगे। तो इस वजह से मैंने बनाई, मैगी बनाई, आप लोगों ने देखा, लेकिन नाना कुछ नहीं खा रहे थे, बस मैंने इतना मेहनत से बनाई हूँ जाके, इस वजह से नाना ने 2-3 सिप पिए। मैंने बोला पीना ही पड़ेगा, अदरवाइज सलाइन वगैरह अगर चढ़ने की, मतलब वो टाइम भगवान ना करे आ जाए, नॉर्मली जितना भी तबीयत खराब हो खाना तो चाहिए ना, अदरवाइज मेडिसिन कैसे लोगे। तो फिर नानी भी अकेली है, तो वो सब बहुत कुछ मिला जुला के टेंशन, आगे बहुत सारे अभी काम भी है घर का, फिर बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को आगे चल के पता चलेंगे। उसके पहले अगर ऐसे तबीयत खराब हो ना, मैं भी खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मिक्स अभी सिचुएशन मेरे लाइफ में भी चल रही है। तो जो भी हो, आप लोगों को भी मैं पका रही हूँ, आई नो कि आप लोग भी पक रहे हो, अरे हाथ दर्द हो गए। तो जो भी हो, चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को इधर पर एंड करती हूँ, और ज़्यादा मैं बकबक नहीं करूँगी, और मेरे हस्बैंड मुझे घर पे छोड़ के फिर जो है वो अपने काम से थोड़ी सी बाहर गए, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है अभी घर पे। सुबह से मैं तो 10-11 बजे निकल रही हूँ ना, वो सुबह के 7 बजे 8 बजे जैसे ही भैया लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, तब से उधर पे है। फिर रात को देखिए अभी फिर से 10-10:30 बज जाएंगे आते आते, तो बहुत प्रेशर के ऊपर हम चल रहे हैं। और घर पे तो खाना पीना सब कुछ, मैं भी बाहर रह रही हूँ, तो नानी घर पे खा रही हूँ, अदरवाइज बाहर खा रही हूँ। तो हम लोगों के ऊपर भी क्या सिचुएशन है सिर्फ हमें ही पता है, और किसी को समझ में नहीं आएंगे, जिनके साथ ऐसे टाइम जाएंगे उन्हीं को पता चलेंगे। देखिए मम्मी पापा की जगह ना कोई कोई लाइफ में कोई नहीं ले सकती, ये सच बात है। अगर मेरे माँ बाबा आज रहते मेरे साथ, तो शायद इतना प्रेशर रहते, लेकिन इतना शायद नहीं रहते, लेकिन वो एक अलग से वो मजबूती मिलते मुझे। बट अभी को सभी है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं माँ बाबा की जगह तो कोई नहीं ले सकते, कोई भी नहीं। और मेरे नाना नानी को मैं वैसे ही मम्मी पापा से भी ज़्यादा, या फिर मम्मी पापा की तरह ही प्यार करती हूँ, क्योंकि बचपन से मैं उधर पर ही पली बड़ी हूँ। तो वही है, मेरे मम्मी पापा के बाद अगर कोई है तो मेरे नाना नानी, क्योंकि उधर से ही बचपन से स्कूल पे छोड़ना, मतलब आने के बाद स्कूल से घर पे आना, नानी खिला के देना, ट्यूशन भेजना,
बचपन से एवरीथिंग, रात में खाना खिला देना, दिन में मैं नानी घर पे ही बड़ी हुई हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो मम्मी पापा के बाद जो है मेरी अटैचमेंट नानी नाना से ही है, और किसी से भी उतना नहीं है, लेकिन नानी नाना से मेरी अटैचमेंट एक अलग ही लेवल का है। वो किसी को समझा नहीं पाऊंगी और ना ही मैं समझाना चाहती हूँ, लेकिन जो भी हो मेरे अंदर अभी बहुत कुछ चल रही है, मिक्स फीलिंग्स चल रही है, वो तो बहुत बकबक कर लिया। चलिए अभी मैं मिलती हूँ बाद में, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी रिलैक्स करूँगी और होप सो डिनर नहीं करूँगी, क्योंकि मैगी भी बनाए थे, सूप भी खाए पिए, तो मिला जुला के भी पेट भी फुल है। अभी थोड़ी सी मैं रिलैक्स करूँगी, बस लाइट ऑफ कर देती हूँ ये वाला। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।